अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमने जो शहर में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है उसके विरुद्ध एक जनहित याचिका पेश करी थी, आज उसकी सुनवाई हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर नोटिस इशू किए हैं और एक सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन को पार्टी बनाने का ऑर्डर हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स में आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसको उन्होंने कहा है इसको पक्षकार बनाया जाए, तो आज ही पक्षकार बनाने का ऑर्डर हुआ है। हम पक्षकार बना रहे हैं उनको और बाकी जितने भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं, कलेक्टर ग्वालियर, नगर निगम और राज्य शासन, इनको नोटिस इशू करने का ऑर्डर कर दिया है। आज 3 जून वाले सप्ताह में इस पिटीशन को दोबारा लिस्ट करने का आदेश किया। अच्छा, तो ये क्यों लगाई गई थी? हमने ये इसलिए लगाई थी, आजकल जो सप्लाई हो रही है पानी की, अब वो पानी पीने योग्य नहीं है। पीला पानी आ रहा है, क्लोरीन की मात्रा भी उसमें ज़्यादा है, इससे काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं, कॉलरा है, इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियाँ फैलती हैं और ये पीने योग्य पानी नहीं है। हमारा ये कहना है कि पीने योग्य पानी की सप्लाई होनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप किया जाए जो कि मॉनिटर करे कि किस तरह के गुणवत्ता का पानी है। हमने एक मैनुअल भी पेश किया है, 770 पेजों का मैनुअल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैनुअल है जिसमें कि दिया मानक दिए हुए हैं कि किस तरीके का पानी पीने योग्य है और किस तरीके सप्लाई होना चाहिए।